ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मनुष्य जीवन में आजकल के दुनिया कलयुग के वायुमंडल वातावरण के अनुसार हम सब भी देख रहे हैं, जैसे ही समय की रफ्तार बढ़ता जा रहा है, बीमारियां भी नए नए रूप लेते जा रहा है। आज का सबसे सेफ और प्रोटेक्टेड सुरक्षित प्रोफेशन है तो दो, वो कलयुग का अति के समय कभी भी लॉस नहीं होने वाला प्रोफेशन, एक है मेडिकल डॉक्टरों का प्रोफेशन, दूसरा कोर्ट और जज का प्रोफेशन। करेक्ट है, करेक्ट है। जो डॉक्टर प्रोफेशन में है, जो बोला जाता है जुडिशियल में है, उसको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कलयुग में उसको लॉस नहीं होता। इसका मूल कारण मनुष्य पहले जमाने से अभी के जमाने में बहुत बदल चुका है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके रात को दिन बना दिया, और दिन में जो करने का कुछ भी काम पान के सिस्टम है वो अति के रात में भी करने लगा है। आज के संसार में हम सब देख रहे हैं हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। अगर विश्व आरोग्य संस्था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यही कहता है 100 लोगों को परीक्षा किए जाए तो 200 प्रकार का बीमारियां लिस्ट होता है। मेरे बात समझ में आया? 100 लोगों को अगर हेल्थ के चेकअप किया जाए तो कितने प्रकार का बीमारियां आता जा रहा है? कलयुग में सभी भी 2 प्रकार के बीमारी के लिए शिकार हो गया है। एक है टू मच थिंकिंग, दूसरा है टू मच ईटिंग। किसके लिए शिकार बन गया? टू मच थिंकिंग, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, एक्सट्रीम होता जा रहा है। इसीलिए बहुत सुंदर बात कहने में आता है, मनुष्य जीवन काल में 50% of life अपना हेल्थ को इन्वेस्ट करके पैसे के पीछे भागता है। कमाओ 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 कमाओ, रात को भी नहीं देखता है, दिन को भी नहीं देखता है, अपना हेल्थ को इन्वेस्ट करके आधा उम्र बिता देता है। 50% of life investing health to earn wealth, और आधा जीवन इन्वेस्टिंग वेल्थ टू अर्न हेल्थ। समझ में आया आपको? समझ में आया? 50% इन्वेस्ट हेल्थ टू अर्न वेल्थ, वेल्थ यानी संपत्ति, और आधा शेष जीवन जो होता है 50% उसको क्या करते हैं? पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। किसके लिए? इसके लिए, हेल्थ के लिए। क्या ये बुद्धिमान का काम है? क्या हमारा जीवन पूरा ऐसे समय को शरीर के हिसाब से भुगतता रहना, ये कोई जीवन होता है क्या? इसका मूल कारण क्या है? मनुष्य को अपना तन को केयर टेकिंग में फेल होता जा रहा है। कहा जाता है जो व्यक्ति
खुद का डॉक्टर बन जाता है, वो ज्यादा डॉक्टर के पीछे भागने का जरूरत नहीं है। देयर इज इनविजिबल डॉक्टर विद इन, हर एक में इनविजिबल डॉक्टर है, उसको कहते हैं प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति का बातें हम पूरे तरह से इग्नोर, यानी उसके प्रति हमको नॉलेज बहुत कम होने के कारण काम पान का जो सिस्टम है वो बिगड़ चुका है। मैं आप सबको एक बात को बहुत ध्यान खींचवाना चाहता हूं। बाबा ने एक मुरली में बोला है, सभी ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो बच्चे, डबल नॉलेजफुल बनो बच्चे, डबल नॉलेजफुल बनो। इसका मतलब क्या है? जैसे आप आत्मा के ज्ञान में नॉलेजफुल बनते हो, वैसे इस शरीर को चलाने में भी नॉलेजफुल बनो, डबल नॉलेजफुल बनो। ऐसे नहीं कि हम बाहर तो नहीं खा सकते हैं, इसलिए हम जो चाहे वो जो बाहर के लिए नहीं खरीद सकते, खा सकते, मना है, श्रीमत है, ऐसे सोच करके कई लोग मशीनरी के सब चीजें खाने लग गया, कई लोग अति में भोग के नाम से खान पान को बनाते विदाउट हैविंग कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल से खान पान का सेवन करते करते शरीर को, शरीर का सिस्टम को पूरी रीति से खराब कर दिया। एक व्यक्ति हेल्थी होना है तो सात बातों को ध्यान देना है। पहला होता है गुड एयर। पहला क्या होता है? गुड एयर, शुद्ध हवा। दूसरा होता है गुड वाटर, शुद्ध पानी। तीसरा होता है गुड फूड, शुद्ध भोजन, शाकाहारी भोजन। चौथा होता है व्यायाम, यानी एक्सरसाइज। पांचवा होता है विसर्जन, ये भी आपको ध्यान खींचवाना है, ये भी आपको इस सेशन में थोड़ा जानकारी दिया जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा जो एक्सक्रीशन है, विसर्जन है, वो भी करेक्ट होना है। और सिक्स्थ है विश्रांति, यानी ठीक समय पर नींद करना। और सेवेंथ है गुड थिंकिंग, यानी मन में अच्छे विचारधारा होना है। क्या क्या होना है? एक व्यक्ति का हेल्थ अच्छी तरह से हो तो सभी एक बार मेरे साथ रिपीट करें, गुड एयर, बोलो गुड एयर, गुड वाटर, गुड फूड, व्यायाम, विसर्जन, विश्रांति, गुड थिंकिंग। ये सात बातों में एक चीज भी गड़बड़ी हो गया तो हमारा हेल्थ खराब होता रहता है। सत्य में हमारा शरीर कैसा था? निरोगी वज्रकाय शरीर। खरीब में हमारा शरीर का सिस्टम कैसे बना है? आउट ऑफ बाउंड्री, आउट ऑफ स्टेज। क्यों? क्योंकि हमने जो नियम है उसको तोड़ दिया है, जो नियम है उसको तोड़ दिया है।